हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉल फॉर नॉलेज। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट है उसको देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे आपको जितने भी लेटेस्ट वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि हमारा फेसबुक पे एक ग्रुप है जिसका नाम है कॉल फॉर नॉलेज यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस ग्रुप। टेलीग्राम पे भी एक चैनल है कॉल फॉर नॉलेज करके, यूट्यूब पे आप देख ही रहे हैं ये इस वीडियो को, तो सब जगह से आप हम लोग से जुड़ सकते हैं। अक्सर मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ यूट्यूब पे, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है आपको फेसबुक ग्रुप पे हमेशा आता रहेगा। मतलब वहाँ इन्फॉर्मेशन, निमोनिक्स, इन्फोग्राफिक्स, कई तरीके की चीज हम लोग वहाँ डालते रहते हैं, तो आप लोग वहां से इसका फायदा ले सकते हैं। और ये जो चैनल है बिल्कुल ही डायनेमिक तरीके से आपको इजी तरीके से हर एक एग्जाम का प्रिपरेशन कराता है और इसका कोई भी हिडन मोटिव नहीं है। तो इस चैनल को आप देख सकते हैं, आप पहले आप यूट्यूब और फेसबुक और टेलीग्राम पे आप जाकर देखेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, नोटेबल ट्राइबल रिवोल्ट जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए। तो पहला जो रिवोल्ट है वो है चुआर्स, जो 1769 में हुआ था। इसके आउटकम क्या था? फर्स्ट टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। ये पहला रिवोल्ट था जो ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो था परमानेंट सेटलमेंट उसके खिलाफ हुआ था, जो कि वेस्ट बंगाल में था। तो परमानेंट सेटलमेंट रैयतवाड़ी और महलवाड़ी जो सेटलमेंट था, ये लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था जो ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश किया था, ठीक है, उसके खिलाफ ये एक पहला रिवोल्ट था। खासिस जो है ये 1828 में था। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है ये खासिस है, तो ये नॉर्थ ईस्ट के किसी भी एक रीजन का है। तो वो किस रीजन का है? वो असम का है। इट अकर्ड इन असम अंडर द लीडरशिप ऑफ तिरहुत सिंह, तिरहुत सिंह के अंडर में। साथ ही साथ आपको रिवोल्ट के जो लीडर है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में कि इस रिवोल्ट का जो मार्गदर्शन किया था उसका नाम क्या है। तो उससे रिलेटेड जो लीडर है उसको ध्यान में रखिएगा। जैसे खासिस का जो था वो तिरहुत सिंह था। असम में ये प्रोटेस्ट किया गया था और प्रेजेंस ऑफ आर्मी इन द एजेंसी एरिया ऑल्सो रेवेन्यू पॉलिसी, ठीक है। ये आर्मी के प्रेजेंस को नहीं चाहते थे और जो रेवेन्यू पॉलिसी था, जो हेवी टैक्स बर्डन था, हेवी टैक्स बर्डन, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट था। कोल्स छोटा नागपुर, ये जो रीजन है वो है झारखंड के रीजन का, जो कि 1832 में एक रिवोल्ट हुआ था, ठीक। और इसके लीडरशिप जो, मतलब लीडर जो थे उनका नाम था बुद्धू भगत, ठीक। बुद्धू भगत ने इसे लीड किया था ब्रिटिश पॉलिसी जो एक्सपेंशन का था, जो जिसको इंपीरियलिज्म बोलते हैं, उसके खिलाफ, ठीक। नेक्स्ट जो है वो कोंड है, उड़ीसा का है ये, कोंड उड़ीसा, 1846-48 एक रिवोल्ट था, ट्राइबल रिवोल्ट, जिसका जो मार्गदर्शन किया था वो उनका नाम था चक्र बेसाई, और लॉर्ड हार्डिंग जो वन थे उनको बैन कर दिया गया था कस्टम सेक्रीफाइस के लिए। कस्टम सेक्रीफाइस जो ट्राइबल होते हैं वो अपना एक कस्टम रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग ने ये बैन कर दिया था कस्टम सेक्रीफाइस को, जिसके खिलाफ ये रिवोल्ट हुआ था। नेक्स्ट जो है कचंगा असम 1882, ठीक। इसका लीडरशिप था संबुदान के अंदर और ये ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के खिलाफ था। तो जनरली आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी या एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी या कस्टम, इन सारी चीजों में जब भी ब्रिटिशर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी ऑफिसर हस्तक्षेप करता था तो ये एज डेट होकर रिवोल्ट करते थे, ठीक है। कोया गोदावरी आंध्र प्रदेश का है, ये 1922 और 23 के बीच का है। इसका जो मार्गदर्शन किया था वो अल्लूरी सीतारमन राजू किया था। ये बहुत ही फेमस है
और इनसे रिलेटेड कई बार सवाल आ चुका है यूपीएससी में, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अगेंस्ट द फॉरेस्ट लॉ, फॉरेस्ट लॉ में क्या था कि फॉरेस्ट में जितने भी ब्रिटिशर्स का मेन मुद्दा था कि वो यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, ठीक, वो फॉरेस्ट में कॉमर्शलाइजेशन के पर्पज से टिम्बर का कटिंग करना है, पेड़ का कटिंग स्टार्ट करते थे, टिम्बर सेटल्ड करते थे, सैंडलवुड ले जाते थे, बहुत सारे हर्ब्स ले जाते थे, जिसके कारण लोग परेशान थे। इस तरीके से वो अपने फेवर के लिए कुछ फॉरेस्ट लॉ बनाए, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट था। इट्स ऑल्सो अगेंस्ट द ट्राइब ऑफ चिफ्टेंस कॉल्ड अ मुथादार, जो चीफ जो थे, चीफ जो एक ट्राइब के जो चीफ होते हैं, जिसको मुखिया बोलते हैं, उनके खिलाफ भी था ये, ठीक। इसको रंपा रिबेलियन भी बोला जाता है, तो आप याद रखिए कोया रिबेलियन को ही रंपा रिबेलियन बोला जाता था। और ये कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में, और कब हुआ था, 1922 में। आप मुझे बताइए 1922 में एक और रिवोल्ट हुआ था, उसका नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। मुंडा रिवोल्ट जो था वो बिहार में हुआ था 1899 और 1900 के बीच, इसका जो मार्गदर्शन किया था बिरसा मुंडा ने, ठीक। और ये एक्चुअली जो था एक बहुत ही सक्सेसफुल रिवोल्ट रहा, और लोगों के दिमाग में ये बहुत ज्यादा असर किया। ये क्रिश्चियन मिशनरीज जो था उसके खिलाफ था, क्योंकि क्या था कि मिशनरीज एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए ब्रिटिशर्स ने लोगों को कन्वर्जन स्टार्ट कर दिया था, जिसके खिलाफ बिरसा मुंडा ने आवाज उठाई थी और उसके खिलाफ एक रिवोल्ट छेड़ा था। बिरसा फाउंडेड न्यू कल्ट कॉल अ सिंह बोंगा, ठीक। बिरसा ने एक न्यू कल्ट, नया कल्ट का स्टैब्लिशमेंट किया था, जिसका नाम था सिंह बोंगा। सिंपली है, आप समझ सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी को टक्कर देने के लिए ये नया जो एक कल्ट था उसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, स्टार्टेड सन्स ऑफ सॉइल मूवमेंट, और इसी को उलगुलन मूवमेंट भी कहते हैं। उलगुलन मूवमेंट पिछली बार ये सीएपीएफ में भी पूछा गया था, ठीक, और बीपीएससी में भी पूछा गया है उलगुलन मूवमेंट क्या है। और हाँ, सबसे पहले कि ये यूपीपीसीएस, अभी 2022 का यूपीपीसीएस है, उसमें भी पूछा गया था। और सन ऑफ सॉइल बोला जाता है बिरसा मुंडा को ही। नाइकदास जो मूवमेंट था वो गुजरात में किया गया था 1858 और 1868 के बीच में, अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, मतलब जितना भी एक्सपेंशन पॉलिसी था ब्रिटिशर्स का, उसके खिलाफ किया गया था। और ये डिक्लेयर कर रहे थे अपना एक ट्राइबल किंगडम, कि हमारा खुद का एक साम्राज्य होगा, ठीक है। और इसके जो लीडर थे उनका नाम था रूप सिंह और जरिया भगत, ठीक है, रूप सिंह और जरिया भगत था नाइकदास मूवमेंट का, जो कि गुजरात में हुआ था 1858 और 1868। आप इस डेट को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1857 में ग्रेट रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद एक रिवोल्ट हुआ था गुजरात में जिसका नाम था नाइकदास, ठीक है। संथाल रिवेलियन, ये बहुत ज्यादा फेमस रिवेलियन है, जो कि झारखंड के रीजन में हुआ था 1854 और 56, ठीक है। राजमहल हिल्स जो है झारखंड के रीजन में है, उस टाइम बिहार में ही था, इसी के लिए बिहार लिखा गया है। इट अपोज द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, आप यहाँ फिर से देख सकते हैं कि ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के अगेंस्ट में ये एक प्रोटेस्ट किया गया था। और इसके जो मेन लीडर जो थे उनका नाम था सिद्धू और कान्हू, ठीक है, ये दोनों भाई थे और ये दोनों ने इस रिवोल्ट को लीड किया था। दे डिक्लेयर फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट ट्राइबल किंगडम, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी ट्राइबल किंगडम का, इंडिपेंडेंट ट्राइबल किंगडम बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको हस्तक्षेप नहीं चाहिए था ब्रिटिशर्स से, आउटसाइडर को ये बिल्कुल ही कंसिडर नहीं करते थे। दिस रिवोल्ट एक्सप्लोडेड द मिथ ऑफ यूरोपियन इनविजिबिलिटी एंड इट ऑल्सो हैड इम्पैक्ट ऑन 1857 सिपाही म्यूटिनी, बिल्कुल ही सही, ये 1857 में इसका इम्पैक्ट बहुत था। इम्पैक्ट इसका नहीं, हर एक जितने भी ट्राइबल मूवमेंट थे और पीजन मूवमेंट थे, उसका इम्पैक्ट रहा है 1857 में और नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में। भीड्स मूवमेंट जो है 1913 में,
लेड बाय गोविंद गुरु, जो कि लैंड रेवेन्यू पॉलिसी से के अगेंस्ट में किया गया था 1913 में, ठीक है। चेचू रिवोल्ट जो है वो 1922 और 23 में किया गया था। नाला मल्ला ह्यूज जो है वो आंध्र प्रदेश में वहां किया गया था, और ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉ, देख लीजिए ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉ के खिलाफ ही किया गया था, और इसके जो लीडर जो थे के हनुमंथु जो थे वो इस मूवमेंट को लीड किए थे। तो इस तरीके से अपना पूरा जो हमारा ट्राइबल रिवोल्ट है, ठीक है, वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाता है। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इससे यूजीसी नेट में और स्टेट पीसेस एग्जाम में कई सवाल बनते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था आप सबके लिए, और वीडियो को एंजॉय कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।